सो गाइज आई थिंक कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ओप्पो का रेनो सीरीज कितना ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज रहा है, चाहे अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, इन टर्म्स ऑफ कैमरा या फिर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं ओप्पो के रेनो सीरीज के अंदर। और गाइज लास्ट के अंदर ओप्पो रेनो 3 सीरीज देखने को मिली थी, जहां पर बहुत ही कमाल का कैमरा स्पेसिफिकेशंस और कैमरा की क्वालिटी देखने को मिली थी। सो गाइज ओप्पो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ओप्पो रेनो 3 और 3 प्रो का अपग्रेड वर्जन यानी ओप्पो रेनो 4 और 4 प्रो लेकर आने वाली है। लेकिन जहां पर आपको ओप्पो रेनो 3 सीरीज 4G के अंदर देखने को मिला था, वहीं पर ओप्पो रेनो 4 सीरीज आपको 5G इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाएगा। तो बहुत दिनों से बहुत सारी लीक इमेजेस, रेंडर इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही थी, बट अब कंफर्म स्पेसिफिकेशंस, कंफर्म इंफॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है ओप्पो रेनो 4 सीरीज को लेकर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही डिवाइस को लेकर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक ओप्पो रेनो फैन हो या फिर ओप्पो के फोन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। हे गाइस, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर शिवम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल के वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और बात करते हैं ओप्पो रेनो 4 सीरीज के बारे में। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओप्पो रेनो सीरीज एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होते हैं, और गाइस ओप्पो रेनो 4 के अंदर भी यही चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ कैमरा फीचर्स बहुत ही कमाल के देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कैमरा फीचर्स और कैमरा के ही बारे में। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओप्पो रेनो 4 सीरीज के अंदर 4 और 4 प्रो डिवाइस देखने को मिलेगा, सो गाइस यहां पर ओप्पो रेनो 4 के अंदर भी क्वाड कैमरा होगा और ओप्पो रेनो 4 प्रो के अंदर भी क्वाड कैमरा होगा। बट गाइस यहां पर आपको मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल वाला मिलेगा ओप्पो रेनो 4 के अंदर, साथ में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर एक ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर मिलेगा, और लास्ट लेंस आपको लेजर ऑटोफोकस सेंसर देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें प्रो कैमरा के बारे में, मतलब ओप्पो रेनो 4 प्रो के कैमरा के बारे में, तो यहां पर कैमरा के अंदर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ओप्पो रेनो 4 के कंपैरिजन में। लेकिन ओप्पो रेनो 4 प्रो के अंदर भी मेन सेंसर बिल्कुल सेम होगा, बट यहां पर आपको 12 मेगापिक्सल का एक नाइट वीडियो सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब इस सेंसर की मदद से आप नाइट के टाइम में वीडियोस वगैरह बहुत ही कमाल की ले पाओगे। और गाइस स्पेशली इस फोन के अंदर, मतलब ओप्पो रेनो 4 प्रो के अंदर, नाइट फोटोग्राफी या फिर नाइट वीडियोग्राफी पर काफी अच्छे से काम किया जा रहा है, जहां पर आप नाइट के टाइम में बहुत ही कमाल की वीडियोस ले पाओगे। यानी कि यहां पर जो आपको कलर कंट्रास्ट देखने को मिलेगा नाइट की वीडियोस के अंदर या फिर ओवरऑल डिटेलिंग मिलेगी, वो आपको ओप्पो रेनो 4 से थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगी। और साथ में ओप्पो रेनो 4 प्रो के अंदर जो टेलीफोटो लेंस होगा वो भी आपको ज्यादा मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, 13 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप कमाल की जूमिंग कैपेबिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी अगेन, जहां पर आपको 13x से लेकर 14x तक डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और साथ में इन दोनों ही फोन्स के अंदर OIS का सपोर्ट, नाइट मोड या फिर बोले तो लो लाइट कंडीशन में बहुत ही कमाल की वीडियोस लेने की कैपेबिलिटी होने वाली है। तो ओवरऑल कैमरा को लेकर फिर से ये दोनों ही स्मार्टफोन या फिर बोल सकते हो ओप्पो रेनो 4 सीरीज भी बहुत ही कमाल का होने वाला है। और गाइस अगर हम बात करें कैमरा की लुक की, तो इस बार आप देख सकते हो जो कैमरा लुक बैक साइड से देखने को मिलेगा थोड़ा सा यूनिक मिलेगा, जैसा आपको LG वेलवेट के अंदर देखने को मिला था कुछ दिन पहले, वैसा ही आपको लुक मिलेगा। और मुझे लगता है कि ओप्पो रेनो 4 सीरीज का बैक साइड कैमरा डिजाइन काफी सारे लोगों को पसंद आएगा और बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट भी करने वाला है, बट मेरे ख्याल से ठीक ठाक लगता है। अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो ओप्पो रेनो 4 के अंदर 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले होने वाली है। और यहां पर आपको गाइस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, बिकॉज यहां पर आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है, बट यहां पर डिस्प्ले के अंदर पंच होल कटआउट भी मिलेगा, तो ओवरऑल लुक वाइज भी स्मार्टफोन अच्छा दिखने वाला है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 4 प्रो डिवाइस के बारे में, तो 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि अगेन पंच होल कटआउट के साथ आएगी। और गाइस ये डिस्प्ले थोड़ी सी यूनिक होगी, यानी कर्व एडजस्ट के साथ आएगी, तो लुक वाइज या फिर व्यूइंग एंगल आपको डिस्प्ले के अंदर अगेन से बहुत ही कमाल के मिलने वाले हैं, बिकॉज दोनों फोन्स के अंदर सुपर AMOLED और AMOLED का सपोर्ट मिलता है। तो भाई डिस्प्ले वाइज नो डाउट ओप्पो रेनो 4 सीरीज बहुत ही कमाल की होने वाली है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ओप्पो रेनो 4 सीरीज के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कौन सा प्रोसेसर होगा। तो गाइस दोनों फोन्स जैसा कि 5G के अंदर होने वाले हैं, तो दोनों फोन्स के अंदर बिल्कुल सेम स्नैपड्रैगन 760 5G का एक 5G इंटीग्रेटेड चिपसेट देखने को मिलेगा। और भाई मिड रेंज के अंदर मैं कहूंगा एक पावरफुल चिपसेट है, बट गाइस बट कहीं ना कहीं MediaTek का अगर प्रोसेसर देखने को मिल जाता लाइक 800 सीरीज या फिर 1000 सीरीज का, तो वाकई में धमाल मचा देता ओप्पो रेनो 4 सीरीज। बट अगेन से कहना चाहूंगा स्नैपड्रैगन 760 5G चिपसेट भी अगेन एक बढ़िया चिपसेट हो जाता है, साथ में आपको 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बैटरी और पावर सेक्शन को लेकर, तो दोनों फोन्स 4000mAh की बैटरी के साथ पावर्ड होंगे, और भाई 65W यानी 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दोनों फोन्स के साथ होगा, तो यहां पर फोन को बहुत ही जल्दी से चार्ज करने वाले हैं। और गाइस मैं कहूंगा कि यार जो भी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिले हैं बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, बट डिजाइन को लेकर थोड़ा सा डाउट जरूर बन जाता है। लेकिन मेरा कहना तो ये है कि भाई बाकी सारे स्मार्टफोन सिमिलर डिजाइन के साथ आ रहे हैं, बट ओप्पो ने थोड़ा अलग ट्राई करने की कोशिश की है, तो मैं कहूंगा बेस्ट है। लेकिन गाइस अगर हम फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस ये स्मार्टफोन पहले चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगा, यानी 1 से 2 महीने के अंदर बहुत ही जल्दी स्मार्टफोन चाइना के अंदर
लॉन्च हो जाएगा और जस्ट आपको उसी के एक से दो महीने बाद इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। यानी आप खींच के चलो कि आपको 3 से 4 महीने के अंदर इंडिया के अंदर ओप्पो रिनो 4 सीरीज देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की बात करें तो गाइस ये दोनों ही स्मार्टफोन 30 से लेकर 40 हजार की प्राइसिंग के अंदर आने वाले हैं और अगेन ये ओप्पो की तरफ से बहुत ही कमाल के कैमरा 5G डिवाइस होने वाले हैं। तो बस यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर इधर नए हो ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ओप्पो रिनो 4 सीरीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देते रहेंगे। उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।